कौन सा सेट है ये? रेडमी कौन सा रोहित बोलो 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 नोट सेवन प्रो नहीं है, रेडमी नोट सेवन है। क्या है? रेडमी नोट सेवन। कौन सा सेट है? रेडमी नोट सेवन। देखिए अपने पास एक रेडमी नोट सेवन है, इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम आप लोग पहले देख लीजिए। प्रॉब्लम क्या है कि जब हम इसे ऑन करते हैं क्या आया? रेडमी क्या आया? फास्ट लोगो आया। उसके बाद क्या हुआ? बंद हो गया। तो ये बंद हो जाना यानी फिर ऑन करेंगे तो फिर ऑन होना चाहिए। ठीक है, देखिए फिर से हम इसको ऑन करते हैं। क्या हो गया? ये ऑफ हो गया। फिर से हम बैटरी को निकालते हैं और बैटरी निकाल के फिर हम जब इसके अंदर चार्जर लगाएंगे, क्या लगाएंगे? चार्जर लगाने के बाद हमें क्या होता है कि इसके अंदर भी आप देखिएगा कि रेडमी लिखा है, लिखा ना, लेकिन यहाँ पे एम्पियर क्या ले रहा है? क्या ले रहा है? 60 मिली एम्पियर। तो यहाँ पे 60 मिली एम्पियर लोड ले रहा है और यहाँ पे क्या है हमारा, ये जो है ये ब्लिंक कर रहा है। क्या कर रहा है? ब्लिंक कर रहा है। तो क्या ये ब्लिंक होना चाहिए? ऐसा नहीं। कंटिन्यू ये क्या होना चाहिए? इसको वहाँ पे एम्पियर कितना लेना चाहिए? अगर ये चार्जिंग होके रहा तो क्या होना चाहिए? एम्पियर आना चाहिए ना। तो जब अगर इस तरह के प्रॉब्लम आप लोगों के पास आए तो जैसा कि हम लोग इसके अंदर क्या किए थे कि फ्लैशिंग भी किए हुआ है कि नहीं हुआ है। और एक्चुअल में ये क्या है, किसी टेक्नीशियन का ही फोन है जो ऊपर का क्या है, कवर है? नहीं है ना। जब ऊपर का कवर नहीं है तो जाहिर सी बात है कि हम लोगों के पास जब ये फोन आया था तो टेक्नीशियन क्या बोला था कि भाई इसके अंदर सर हमने क्या किया है, काम किया है। यानी फ्लैशिंग वगैरह ये सब ठीक है लेकिन सर लग रहा है कि हमको EMMC का प्रॉब्लम दिख रहा है। ठीक है, ये जो कोडिंग बता रहा है ये हो सकता है ऐसा क्या? हो सकता है कि नहीं। लेकिन हमें वहां तक अभी जब इसने क्या किया, सॉफ्टवेयर चढ़ा के देख लिया तो हमें EMMC पे जाना होगा। एक बार फिर हम इसको ऑन ऑफ स्विच को दबाते हैं, फर्स्ट रेडमी लिखा और सेकेंड में क्या हो गया कि फिर वो बंद हो गया। जो फिर वापस नहीं आ रहा। तो इसके अंदर हम लोग पहले क्या करेंगे कि बोर्ड को बाहर निकालेंगे, लेकिन जहां तक हम अपनी क्लास की बात कर रहे हैं तो क्लास में इस चीज के ऊपर हम लोग बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किए थे कि नहीं? किए थे ना। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम हम डायरेक्ट किसी IC को निकालना, क्या ये हमारा रिपेयरिंग का वे है? नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है टेस्टिंग। जब तक हम किसी भी फोन को सबसे पहले आई टेस्टिंग करेंगे, आई टेस्टिंग के बाद हमारा क्या होता है, पता चल जाता है उसमें कि क्या दिक्कत है क्या नहीं दिक्कत है। लेकिन इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहला काम क्या करेंगे? आई टेस्टिंग करेंगे। और आई टेस्टिंग में हमें ये देखना है कि इसका प्रॉब्लम कहाँ से हो सकता है। तो सबसे पहली बात तो हमें नहीं लगता है कि उसने कुछ इसके अंदर किया है। आपको लग रहा है? देखिए आपको लग रहा है क्या कि इसके अंदर कुछ हुआ है? नहीं हुआ है, क्योंकि ये सारा चीज सारा इसके ऊपर पेस्ट भी नहीं है, कहीं पे भी कुछ हमको दिख नहीं रहा है। यानी वो सीधा जहां तक सॉफ्टवेयर डाला है और सीधा अपने पास लाकर दे दिया है। तो देखिए हम लोग चेक करते हैं क्या है, कहां पे दिक्कत है क्या नहीं है, क्योंकि हम लोग सॉफ्टवेयर से अभी कुछ करने वाले हैं नहीं है नहीं। क्या हमारा रिपेयरिंग वे वही कहता है क्या? नहीं कहता है कि हम सॉफ्टवेयर पे काम नहीं करेंगे अभी, क्योंकि इसका पूरा का पूरा सब कुछ सही सलामत है। लेकिन हमें एक चीज जरूर देखना है क्या कि इसका GR वैल्यू किसी भी लाइन का
सही है या नहीं है, ठीक है ना। तो एक चीज हम लोग जी आर वैल्यू यहाँ पे चेक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि नहीं, हाँ कर सकते हैं ना। तो एक बार पावर आईसी के पास का हम लोग क्या करते हैं, जी आर वैल्यू चेक करना है, ठीक है। हम लोग फोन को किस मोड पे रखेंगे, डायोड मोड पे, जी आर वैल्यू चेक करने के लिए किस मोड पे, डायोड मोड पे, ठीक है। तो हम लोग डायोड मोड पे रखेंगे और ये देखेंगे कि वहां पे, जैसे पहली बात तो हम लोग पावर आईसी के पास चलेंगे, क्या चलेंगे, पावर आईसी के पास। थोड़ा सा कैमरा ऊपर रख लेते हैं ऐसे, ये हमारा पावर, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, नहीं तब हम लोगों को पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या दिक्कत है। बड़ी ध्यान से देखिएगा, जैसे ये लाइन को पहले हम लोग चेक कर सकते हैं, क्योंकि फोन जब हमारा ऑन होता है तो जो ट्रीनरी लाइन है उससे कोई नाता नहीं है, क्योंकि वो ट्रीनरी लाइन हमारा बिल्कुल क्या होगा, ओके होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि सेकेंडरी लाइन को एक बार चेक कर लेते हैं कि सेकेंडरी लाइन में क्या कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों को तो कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, दिख रहा है नहीं। क्योंकि ये आईसी का, ये जो है आईसी हमारा, इसका सेकेंडरी लाइन यहाँ पे है ना, तो ये पीएम है और एक पीएम यहाँ पे है, तो हमको यहाँ पे भी छेड़छाड़ नहीं करना है। क्यों करेंगे, तो देख लेते हैं कहीं और कोई हमें कुछ लाइन अलग कुछ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भी लाइन क्या है, कहाँ का है, हमको नहीं पता है, लेकिन हम चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या वैल्यू आ रहा है। 002 ठीक है, कितना आ रहा है, 0.4 400 कुछ आ रहा है ना जी। चलिए यहाँ का भी वैल्यू ठीक है, यहाँ का भी वैल्यू ठीक हमको दिखा रहा है, यहाँ पे ऑयल है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ का वैल्यू हम देखते हैं, इस कैपेसिटर का देखते हैं, ये सही है। यहाँ देखते हैं क्या बता रहा है, 0002 और इस कैपेसिटर पे भी देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, 0.001 हाँ जीरो जीरो दिखा रहा है। कहीं ना कहीं हमारा इसके अंदर अगर देखा जाए तो सेकेंडरी लाइन क्या है, शॉर्टिंग है। जो सेकेंडरी लाइन शॉर्टिंग होने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं फर्स्ट लोगो, तो जो हमने आपको पावर का सीक्वेंस बताया, क्या बताया था, पावर सीक्वेंस बताया था ना, तो पहला सीक्वेंस यानी जब हमारा फोन बूट करता है तो वहां पे हमारा पहला जो पावर का सीक्वेंस है वो बिल्कुल क्या है, ओके ओके। प्रॉब्लम क्या है, सेकेंडरी का है, यानी वैसा वोल्टेज जो सेकेंड बूट में जाकर हमारा वो एक्टिव हो, क्या हो, सेकेंड बूट में जाकर वो एक्टिव हो, तो उस लाइन को हमें देखना है। तो हम लोग बहुत सारे एलडीओ के बारे में पढ़े हैं कि नहीं, हाँ बहुत सारा एलडीओ है, वो भी आईसी वाइज, क्या है, आईसी के अकॉर्डिंग। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि ये चीज को देखते हैं कि आखिर इसके अंदर शॉर्टिंग क्या है, ये लाइन क्या है, कौन सी लाइन है, तो ये लाइन कौन सी है, क्या है, ये चीज हम लोग क्लास में अच्छी तरह से समझते हैं, ठीक है, ठीक है। कौन सी लाइन है, क्या है, ये चीज हमको आप लोगों को बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आप लोग अच्छी तरह से इसके बारे में जान चुके हैं, समझ चुके हैं, बक क्या है, सेकेंडरी वोल्टेज क्या है, एलडीओज क्या है, कितने एलडीओज किस समय एक्टिव होता है और किस समय एक्टिव नहीं होता है। तो ये सब सारी चीजों को हमें क्या करना है, देखना है समझना है, लेकिन हम डायरेक्ट इसको रिपेयर करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर इसके अंदर डाला गया, चलिए ओके है, यानी कोई भी बंदा होगा तो इस केस में क्या डालेगा, सॉफ्टवेयर ही डालेगा। चलिए हमने सॉफ्टवेयर डाला, सॉफ्टवेयर कंप्लीट भी हुआ, क्योंकि हमने भी इसके अंदर सॉफ्टवेयर डाला था, डाले थे ना क्लास में हम लोग, तो इसके लिए क्या हुआ कि सॉफ्टवेयर डाले फिर भी हमारा प्रॉब्लम कहाँ है, सेम का सेम है। तो ये कहीं ना कहीं हमारा किसका प्रॉब्लम है, सेकेंडरी लाइन का। तो सेकेंडरी लाइन कौन सा लाइन है, क्या लाइन है, ये चीज हम आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं, आप लोग खुद जान रहे हैं। चलिए इसको डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ कहाँ लाइनें जाती हैं, इस चीज को भी हम लोगों को समझना है अच्छी तरीके से।
तो अगर देखा जाए, हम आपको बताएं यहाँ पे, तो ये कैपेसिटर की जो लाइनें हैं, ये लाइन एलडीओ लाइन है, क्या है? एलडीओ लाइन है। तो हमें क्या करना है कि एलडीओ लाइन तो है, लेकिन उस एलडीओ की लाइन यहाँ पे भी आती है, कहाँ पे? यहाँ पे भी आती है और यहाँ पे भी आती है, कहीं ना कहीं इसके अंदर भी ये निकाले हुआ है, ये इसका कवर जो आप देख रहे हैं ना, ये कवर निकला हुआ है, यहाँ पे वो काम किया है इसका मतलब, ठीक है। बाकी चीज कोई चीज तो यहाँ पे कमी नहीं है, लेकिन फिर भी हमको वहां पे वो लाइन को पता होना चाहिए कि वो लाइन कितने वोल्टेज का है। हम लोग ट्रिनरी लाइन को तो पता है, ऑलमोस्ट सभी जितने भी रिपेयर करने वाले हैं सभी को पता है कि भाई ट्रिनरी लाइन क्या है, ट्रिनरी लाइन कितने वोल्टेज की होती है, हमको उसको नहीं देखना है। लेकिन इस एलडीओ के बारे में हमको समझना है कि इसका वोल्टेज क्या है। तो ये वोल्टेज कितने का है? 3.0। कितने का है? 3.0। ये एलडीओ 3.0 का है। तो हमें यहाँ पे कितना वोल्टेज देना होगा? शॉर्टिंग निकालने का तरीका एक ही है भाई, है कि नहीं? शॉर्टिंग क्या है? एक ही है कि अलग अलग है? एक ही है। तो इसके अंदर हमें पता है कि कहाँ कहाँ हमें क्या देना है, सप्लाई यानी रोजिन का थोड़ा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करना है। किसका यूज करना है? रोजिन का, उस एरिया पे लगाना है जहाँ पे इसका सप्लाई गया है, ठीक है ना। तो ठीक है, एक बार हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा चलिए, नहीं आ रहा तो हम इसको, आ रहा है? हाँ आ रहा है ना। अब देखिए हमें प्रॉब्लम कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे इस कैपेसिटर पे। तो इसी कैपेसिटर का वैल्यू जो हमें दिखा रहा है नीचे वाले का, कितना है? 002 है ना, 002 है, और इधर 001 है। तो इसका सप्लाई यहाँ पे भी आएगा, इस एरिया में भी आएगा, तो कहाँ पे है कैसे ढूंढेंगे? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा रोजिन डाल दीजिए भाई, क्या कीजिए? थोड़ा सा रोजिन का उपयोग कीजिए, क्योंकि उपयोग करना चाहिए, है कि नहीं? जी सर। सोहेल जी, जी सर, करेंगे ना। देखिए ये हम लोग क्लास नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट इसका रिपेयरिंग हो रहा है, कितना वोल्टेज देना है, क्या करना है, ये सारी चीजें क्लास में। जी कहाँ पे? क्लास में। क्लास में, हाँ क्लास में ही सारी चीजें हम लोग समझते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें, मेरे पास अगर ये फोन आया है तो इसका मेन कारण क्या है, हमें ये देखना है कि आखिर इसका प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है और किससे प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम रोजिन दे रहे हैं क्योंकि 2-3 जगहों पे इसका सप्लाई हम लोग देखे हैं, जहाँ जहाँ सप्लाई जाएगा वहाँ उधर ही लगा देना है, हमको पूरे बोर्ड को क्यों ज्यादा ये करना है। अब हमें पता है कि भाई यहाँ पे एलडीओ नंबर 3 पे, हाँ हमें पता है कि यहाँ पे ये कैपेसिटर पे हमें कुछ नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, यानी शॉर्टिंग आ रहा है ना। तो शॉर्टिंग आ रहा है, तो हमें इस चीज को भी देख लेना है कि और कौन से टिप्स पे कहीं पे कोई भी पा रहा है कि नहीं, मतलब 00 वैल्यू GR मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देखिए क्या मिल रहा है, एक मिनट थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे इस पे देख लेते हैं, और यहाँ पे देखते हैं 00 है ना, यहाँ पे भी 00 है, यहाँ पे भी 00 है, ठीक है ना। तो हम लोग इसका कनेक्शन इससे जोड़ सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे है ना ये, तो इसके ऊपर हम लोग क्या दे सकते हैं, सप्लाई दे सकते हैं कि नहीं? हाँ दे सकते हैं, दे सकते हैं, यहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं सप्लाई। देखिए यहाँ पे क्या है, 00 है, और हाँ हाँ यही, मतलब हमें ये देख लेना है कि इसका कहाँ पे लाइन जा रहा है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं इसका जो लाइनिंग है यहाँ पे है, तो हम इस पे दे सकते हैं सप्लाई। तो देखिएगा हम लोग एक सप्लाई देते हैं, 3 कितना का? 3.0, हाँ 0 का। देखिएगा एम्पेयर 2, एम्पेयर कितना रखना है? 2 रखना, हाँ 3.0 एम्पेयर हमारा क्या होना चाहिए? 2,
दो एम्पियर, ठीक है ना। अब हमें यहाँ पे सप्लाई दे दीजिए, थोड़ा सा देखिए कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंपोनेंट कोई बाहर जरूर आएगा, ठीक है ना। तो एक बार हम लोग यहाँ पे रोजिन लगा देते हैं और वहाँ पे ध्यान देते हैं, ठीक है ना, और एक बार लगा के छोड़ देते हैं, ठीक है। देखिए ज्यादा देर नहीं, अब क्योंकि उसका पीछे भी तो है ना, तो यहाँ पे हम लोग सप्लाई देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसके अंदर जूम कर देते हैं, नहीं ताकि आप लोगों को दिखाई दे सके। चलिए देखिए, थोड़ा सा अंधेरा एरिया में आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। अब दे रहे हैं इसको हम लोग यहाँ पे सप्लाई, देखिए एक बार दे के छोड़ देंगे, देखिएगा वहाँ पे एम्पियर हाई हुआ है या मतलब लोड बढ़ा है कि नहीं। बढ़ा था, कंप्लीट। थोड़ा सा हमें देखना है अब पीछे, क्योंकि इसके पीछे हमारा कोई कंपोनेंट कुछ हुआ है या नहीं हुआ है ये देखना है। अभी कुछ नहीं हुआ है, नहीं हुआ है ना, तो इसका मतलब थोड़ा सा हमें और रोजिन देना पड़ेगा। रोजिन नहीं देना है, रोजिन मत दीजिए, सप्लाई देना पड़ेगा सर। हाँ थोड़ा सा हम देख लेते हैं जूम करके इसके अंदर। हाँ जी ये रहा, या फिर हम डायरेक्ट इस कैपेसिटर पे भी दे सकते हैं सप्लाई, ठीक है ना। हम डायरेक्ट कैपेसिटर के ऊपर ही देते हैं ये, ठीक है ना। देखते हैं अगर ये होगा तो ये खुद बाहर आएगा, वहाँ पे क्या हुआ, आया था, आया था ना। अब देखते हैं पीछे कहीं ना कहीं कुछ है या नहीं है। वहाँ पे यहाँ पे चमक आया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चमक आया सर। ये वाला एरिया, ये है ना जी। यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा है क्या, फिर धुआं दिखाई ना सर, फिर मालूम पड़ेगा। अच्छा फिर धुआं दिखा दे, चलिए दिखा देते हैं फिर, इस पे ज्यादा लगा देते है ना, क्योंकि सुहेल भाई का सेटिस्फेक्शन का बात है। हाँ 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 जरूरी है, देखिए सोहेल भाई ये इसी पे है ना, है ना। फिर से हम इसको क्या करते हैं, अच्छा से धुआं लगाते हैं और फिर उसी कैपेसिटर पे हम लोग क्या करेंगे, टच करेंगे ठीक है। और यहाँ पे पीछे हम पलटी मारेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पकड़े हैं, और भी जगहों पे जा सकता है लेकिन हम पहले डायरेक्ट यहीं पे देखते हैं। वो तो ये कैपेसिटर वहाँ पे देखिएगा लोड लेगा, यहाँ पे देखिए लोड लिया था। अब पीछे जाते हैं हम लोग, देखिए वहीं पे सर, देखिए यहाँ पे आया, आ गया या नहीं, आ गया सोहेल जी। हाँ सर, इतना लेट कहाँ लगाई सर, वो सही से टच नहीं हो रहा था, सही से लोड नहीं बन रहा था इस वजह से। तो हम क्या करते हैं, इसको निकालते हैं कि नहीं, निकालते हैं सर। हाँ चलिए इसको एक बार क्या कीजिए, आप चाहे तो इसी से हाँ एक बार देख लेते हैं कि कोई कंपोनेंट वगैरह सब है या नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे एक बार देखते हैं, रुक जाइए, आ रहा है ना यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसको एक बार हम लोग क्या, लाइट सर मार देगा, थोड़ा सा कम कर दीजिए इसको। हाँ, आगे ना हाँ। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। हाँ निकल गया ना, निकल गया। तो हमें क्या हो रहा है कि ये वाला कंपोनेंट ये अब शॉर्ट है या नहीं, इसको भी देख लेना है, क्या है चेक करेंगे ये वाला, ये देख रहे हैं ना। तो इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं कि ये शॉर्टिंग है या नहीं है। नहीं तो इसको इस मोड में भी ला सकते हैं, डायोड में भी चेक कर लीजिए, अगर ये वैल्यू अगर डायोड पे नहीं दिखाना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसको बंद कीजिए, ये फ्लैश बंद कीजिए,
ये क्या होना चाहिए इसको? वैल्यू दिखाना चाहिए। हाँ, ये क्या हो रहा है? जीरो जीरो आना चाहिए। जीरो जीरो देखिए आ गया ना। ये जबकि कैपेसिटर ऐसा होता है नहीं, नहीं होता है। ये अगर डायोड मोड पे अगर आप चेक करेंगे तो देखिए यहाँ का ये वाला कैपेसिटर क्या था? शॉर्ट था, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप चाहे कैपेसिटर लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब हमारा सेट कंप्लीट ऑन होता है या नहीं होता है वो चीज को हमें देखना है। यानी जो कैपेसिटर हम लोग को ग्राउंड रीडिंग नहीं मिला वही कैपेसिटर को शॉर्ट किया है ना सर? नहीं, ग्राउंड रीडिंग तो मिला है ना, शॉर्टिंग मिला था ना हमें। हाँ, शॉर्टिंग मिला था। किसी भी सेकेंडरी लाइन को शॉर्ट करना है तो कैमरा नहीं लगाने से आ जाएगा। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा। देखिए अब क्या करते हैं, ये लग गया ना बोर्ड, अब देखते हैं हमारा फोन ऑन होता है या नहीं होता है। देखिए हम क्या हुआ, रेडमी आया, फर्स्ट लोगो आ गया, फर्स्ट लोगो आया। सेकेंड लोगो में देखना है लाइट आ रहा है कि नहीं, कि ये ऑन हो रहा है या बंद हो जा रहा है। ठीक है, अभी तक तो आ गया, आ गया ना, आ गया रेडमी नोट 7 है ना, सेकेंड बूट भी आ गया। तो इससे हम लोगों का क्या पता चला ये बताइए अभी तक, अब बताइए। यानी हम लोगों का क्या था, ये देखिए कंप्लीट सॉर्टिंग था। अभी सेकेंडरी लाइन आउट किया जाता है, लाइन में सॉर्टिंग होता आसान से पकड़ सकते हैं, देख रहे हैं ना। यानी अभी हम लोगों को क्या था, अब था एक छोटा सा अब इसमें क्या था कि EMMC भी जा सकता था, सॉफ्टवेयर भी, ठीक है सॉफ्टवेयर अच्छी बात है कि सॉफ्टवेयर हम पहला चेक कर सकते हैं, लेकिन जिसके पास अगर ये सेकेंडरी का नॉलेज नहीं रहा तो क्या सॉफ्टवेयर भी जो हमें दिखता है ना वो हार्डवेयर से ठीक होता है। आज क्या हुआ है, ये हार्डवेयर से हुआ है या सॉफ्टवेयर से? तो क्या ऐसे ही आप लोग काम करेंगे ना? हाँ, करेंगे कि नहीं? करेंगे। चलिए बहुत खुशी की बात है, चलिए तो ऐसे ही काम करना है, ठीक है। प्रॉब्लम पता चला, प्रॉब्लम को देखिए, कभी भी कोई भी अगर वर्क करना है ना तो सबसे पहले प्रॉब्लम को समझिए, उसको पहले थोड़ी देर के लिए अपना पेशेंस को बना के रखिए। अब जल्दी जल्दी में CPU निकलेगा, ये आपका क्या EMMC निकलेगा, तो वो सारी चीजें प्रॉब्लम बढ़ाएगा, घटेगा नहीं। प्रॉब्लम को और भी ज्यादा वो क्रिएट, आपने बहुत ज्यादा क्रिएट कर लिया उसके अंदर, जो क्रिटिकल हो जाता है, जो प्रॉब्लम बहुत ही रेयर केस में वो बन पाता है। तो अगर आपके पास नॉलेज है, आप अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं, तो ये लेवल का काम कीजिए। क्योंकि अभी देखिए, अभी इसके अंदर क्या काम आया, हमारा जो हार्डवेयर का जो नॉलेज है वही काम आया ना। जी सर। क्या था? LDO सर्किट। ये LDO सर्किट क्या है, पावर सीक्वेंस क्या है, एक पावर IC कैसे ट्रिगर करता है, ये सारी चीजें हम आप लोगों को बताए हैं या नहीं? हाँ, बड़ी डीपली से बताए। तो काम किसका आया, ये LDO सर्किट का है दोस्त। तो वैसा LDO जो हमें सेकेंड बूट में एक्टिव हो, वही का प्रॉब्लम था ना, उसी का था जिस वजह से हमारा सेट को बड़ी फर्स्ट लोगों पे रुका था। हाँ, फर्स्ट लोगों पे रुका हुआ था। अब देखिए माशाल्लाह अच्छा चल रहा है कि नहीं? हाँ, प्रॉब्लम क्या था, एक कैपेसिटर का क्या था, कैपेसिटर का। चलिए सारे तालाब गंदा बनाकर रखी थी।